चलो एक सवाल तुम पांचों छह ओर से ये है कि वो कौन सी ऐसी चीज है जो सर्दियों में छोटी हो जाती है और गर्मियों में बड़ी हो जाती है। कौन सी चीज है जो सर्दियों में छोटी हो जाती है और गर्मियों में बड़ी हो जाती है? यार ये आप कैसी कैसी बातें पूछ रहे हैं। अच्छा तो मैं आपसे भी एक सवाल करता हूँ। ले भाई मुझसे भी एक सवाल करना अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट शारिक खान और आप देख रहे हैं शारिक खान व्लॉग। आज हम फिर से आए कॉमन सेंस के सवाल करने के लिए लोगों के साथ। अब देखते हैं कि उनका रिएक्शन क्या आता है, वो हमारे सवाल के जैसे ही जवाब दे भी पाते हैं या नहीं पाते, और या फिर उनके हम आए कैमरे के अंदर उनके फनी रिएक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए। अच्छा एक बात और बता, अपने भाई का चश्मा कैसा लग रहा है? अच्छा लग भी रहा है, नहीं लग रहा? नहीं। माशाल्लाह मुझे पांच छह भाई मिले जो सारे जैसे कपड़े पहने, मतलब मोहब्बत कुछ ज्यादा हो गई है तो मेरे थोड़ी सी मोहब्बत कम लग रही है मुझे इनसे, ऐसा फील हो रहा है। चला नहीं आ जाओ यार, ये भी सारे अपने बंदे। चलो एक सवाल तुम पांचों छह ओर से ये है कि वो कौन सी ऐसी चीज है जो सर्दियों में छोटी हो जाती है और गर्मियों में बड़ी हो जाती है? वो कौन सी ऐसी चीज है सर्दियों में छोटी? नहीं नहीं कोई गलत चीज नहीं है भाई, अच्छी चीज है। वो कौन सी ऐसी चीज है सर्दियों में छोटी हो जाती है और गर्मियों में बड़ी हो जाती है, बताओ? वास्केट से गर्मी में बड़ी कैसे होती है, छोटी हो गई तो फिर? तो रबड़ की होती है ना इसलिए। कुछ भी रबड़ की होती है तो क्या होता है फिर? अब से छोटी हो जाती है। नहीं 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 ये नहीं है, तुम बताओ क्या होगा? चॉकलेट कैसे? जब खा जाते हो वो गर्म हो जाती है, खत्म हो जाती है। अच्छा कुछ भी, हाँ गर्मियों में पिघल के बड़ी होती है, मगर ऐसा नहीं है भाई। दूसरी बात बताओ। नहीं इसका बात सही नहीं है। सर्दियों में छोटी हो जाती है और गर्मियों में बड़ी हो जाती है, समझ जाओ? गर्मी में बड़ी हो जाती है। ये आम है ना, आम का दरख्त नहीं, आम गर्मी में बड़ा हो जाता है ना। अच्छा आम गर्मी में बड़ा जाता है? नहीं नहीं ये भी नहीं है, तुम बताओ। बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है भाई। सर्दियों में छोटे हो जाते हैं, चलो ऐसा कर देते हैं, सर्दियों में छोटे हो जाते हैं और गर्मियों में बड़े हो जाते हैं, बस। सर्दी में तो ज्यादा चीज छोटे हो जाते हैं ज्यादा, हाँ ना, तो बताओ। नहीं वो नहीं बताना, जो तुम समझ रहे हो ना वो नहीं बताना। समझ रहे हो आप? चलो मुझे ये अभी दो बंदे मिले थे, मैंने सोचा इनसे कुछ सवाल किया जाए। तो सवाल कुछ इस तरह से है, वो कौन सी, तुम दोनों सवाल है, वो कौन सी चीज है जो सर्दियों में छोटी हो जाती है और गर्मियों में बड़ी हो जाती है, तुम बताओ? बताओ वो कौन सी चीज है जो सर्दियों में छोटी हो जाती है और गर्मियों में बड़ी हो जाती है? यार ये आप कैसी कैसी बातें पूछ रहे हैं यार सर। अबे भाई एक सिंपल सवाल है, क्यों गलत लेके जा रहा है? कौन सी चीज है जो सर्दियों में छोटी हो जाती है और गर्मियों में बड़ी? अभी याद नहीं है। क्या याद नहीं है, सिंपल सा है यार, सोचो दिमाग पे जोर डालो। ये फंस गया सी है, मिल जाए। सवाल पूछ रहे हैं हमारे से यार। नहीं नहीं उल्टा सीधा बिल्कुल भी सवाल नहीं है, बहुत अच्छा सवाल है और फैमिली वाला सवाल है। फैमिली वाला सवाल, फैमिली वाला सवाल है। सर्दियों में छोटी हो जाती है, गर्मियों में बड़ी हो जाती है। चलो ऐसा करते हैं, सर्दियों में छोटे हो जाते हैं, गर्मियों में बड़े हो जाते हैं, बस। मुझे अपने घर जाना है, मुझे घर जाना है। कपड़े कपड़े क्या सर्दियों में सुखड़ जाते हैं क्या? कुछ भी। चलो चलो तुम दोनों से मेरा एक सवाल ये है, वो कौन सी ऐसी चीज है जो सर्दियों में जो छोटी हो जाती है और गर्मी में जो बड़ी हो जाती है, बताओ कि वो कौन सी ऐसी चीज है? तब वो कौन सी ऐसी चीज है जो सर्दियों में छोटी हो जाती है और गर्मी में बड़ी हो जाती है? सबके साथ ही होता है ऐसा, मेरे साथ भी होता है, तुम्हारे साथ भी होता है, मतलब पूरी दुनिया के साथ ऐसा होता है यार, सर्दियों में छोटी हो जाती है, गर्मी में बड़ी हो जाती है। सर्दियों में छोटी, गर्मियों में बड़ी, ऐसी कुछ वो तो नहीं है क्या? नहीं बोला तूने, कुछ वो तो नहीं है। नहीं नहीं कोई वो नहीं है, सिंपल है यार, अच्छा चीज है, तुम बताओ क्या है? यार तो सवाल लेकर आ रहे हैं मगर वो गंदा सवाल है। नहीं गंदा नहीं है, बहुत सिंपल सा सवाल है, वो कौन सी चीज है? चलो ऐसा कर लेते हैं, सर्दियों में छोटे हो जाते हैं, गर्मियों में बड़े हो जाते हैं। छोटे हो जाते हैं, अभी बड़े हो जाते हैं। हाँ बोला सिंपल है यार, सर्दियों में जो है ना छोटे हो जाते हैं, गर्मियों में बड़े हो जाते हैं। मक्खी का छत्ता तो नहीं? मक्खी का छत्ता क्या सर्दियों में छोटा हो जाता है क्या? भाई सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। चलो मैं बता रहा हूँ तुम्हें, कोई टेंशन वाली बात नहीं है भाई, वो है दिन, सर्दियों में जो है दिन छोटे हो जाते हैं और गर्मी में बड़े हो जाते हैं। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। हाँ ऐसा है। चलो चलो तुम बताओ, सोचो। चलो मैं तुम्हें आंसर बताता हूँ, कोई मसला नहीं, इधर आओ कैमरे की तरफ देख के बताना। वो है हमारा दिन, सर्दियों में दिन छोटे हो जाते हैं और गर्मियों में दिन बड़े हो जाते हैं। अभी 6 बजे मगरिब हो जाती है और गर्मियों में जो है 7-8 बजे मगरिब होती है। यार सिंपल सारा सवाल था। अच्छा तो मैं आपसे भी एक सवाल करता हूँ। ले भाई मुझसे भी एक सवाल करना। एक तरफ है पाकिस्तान, दूसरी तरफ है इंडिया जी, ठीक है। बीच में है बकरा, तो
घास इंडिया की खा रहा है, पानी पाकिस्तान का पी रहा है। सही है। तो दूध पे हक किसका होगा भाई? इन भाई ने एक बहुत अच्छा सवाल किया है मेरे से, और यकीन मानो उसका आंसर मुझे आता है। इन्होंने सवाल ये किया है कि भाई एक तरफ है पाकिस्तान और दूसरी तरफ है इंडिया, और बीच में खड़ा हुआ है बकरा। सही है, बकरा जो है घास जो वो खा रहा है इंडिया की और पानी पी रहा है पाकिस्तान का, तो उसके दूध पे हक किसका होगा? तो इन भाई को पता नहीं है कि मेरा कॉमन सेंस कितना अच्छा है, वो बकरा है, वो बकरी नहीं है दूध देगा। सही है। चलो चलो बताओ, सर्दियों में चलो छोटे हो जाते हैं और गर्मियों में बड़े हो जाते हैं। अबे चलो मैं बता देता हूँ, कोई मसला नहीं, दूसरा सवाल भी पूछ लेंगे। इसका आंसर ये है दिन। दिन जो है ना सर्दियों में छोटे हो जाते हैं और गर्मियों में बड़े हो जाते हैं। बिल्कुल सही है जवाब, मुश्किल नहीं था। चलो एक सवाल और करते हैं लोगों से। दूसरा सवाल ये है कि तुम लोगों की शादी हुई है? हुई है। चलो भाई शादी हो गई है। सही है। अगर तुम ये इस्लामिक थोड़ा सवाल है, देखते हैं ये आंसर दे पाते, तुम लोग भी देना होगा दे दो। सवाल ये है, चलो भाई आ जाए यार, ये ऐसे सवाल करेंगे ना, ये आ जा रहा है सवाल कुछ इस तरह से है, अगर तुम्हारी बीवी हो जाती है बेवा, तो इस्लाम के हिसाब से तुम अपनी बीवी की यानी अपनी बेवा जो बीवी है उसकी बहन से शादी कर सकते हो नहीं कर सकते? जी कर सकते हैं। अगर तुम्हारी बीवी हो जाती है बेवा तो तुम उसकी बहन से शादी कर सकते हो? वो तो ये मर जाएगा ना, वो फिर मैं उससे शादी नहीं करूंगा। ए रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना, हमारे ये कतन करेगा। अच्छा अच्छा, ये कतन करेगा, मतलब ये तो तेरा मरने का इंतजार करा, तुम मरेगा तो मैं सब हर रात दुआ तीन बजे उठा उतर करता हूँ, नकल करते है कि ये मर जाए, हमको ईद का बीबी मिल जाए। चलो 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 सही है भाई, लोगों ने थोड़ा थोड़ा सही जवाब दे दिया, मगर ये एक दूसरे की पोल पट्टियां खोलना है, ऐसा नहीं करते यार, नहीं करना चाहिए। चलो भाई अच्छा एक काम ये करते हैं, सब मिलके बोलेंगे शाहरुख खान ब्लॉग को सब्सक्राइब करो। क्या बोलोगे? शाहरुख खान ब्लॉग को, शाहरुख खान ब्लॉग को सब्सक्राइब करो। चलो भाई चलो खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।